नमस्कार दोस्तों, बीके कंप्यूटर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 दिन पहले दोस्तों मेरे को एक कमेंट मिला था रोहित लवानिया जी का, जो भिवाड़ी से हैं। उन्होंने अपने कमेंट में लिखा था कि आप फोटोशॉप के साथ साथ HTML के ट्यूटोरियल भी बनाइए। तो इसलिए आज मैं यहाँ HTML भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा HTML का फर्स्ट ट्यूटोरियल होगा। सबसे पहले दोस्तों HTML होता क्या है? HTML एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, जिसे ब्राउजर रीड करता है और रीड करने के बाद ब्राउजर इसका एक डिस्प्ले बनाता है, एक डिस्प्ले दिखाता है। HTML लैंग्वेज को रीड करता है ब्राउजर, उसके बाद एक डिस्प्ले शो कराता है। तो HTML एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा आगे आपको। और HTML अभी हम और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हम अपना ब्राउजर ओपन करते हैं अभी। ये हमारा ब्राउजर है दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वेबसाइट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट यहाँ ब्राउजर में ओपन कर ली है दोस्तों। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। ये अलग सेक्शन हो गया, ये अलग, ये अलग, ये सभी जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ, ये देखिए यहाँ ये मीनू बार है इसका, ये मीनूज बने हुए हैं। अब इसका दोस्तों हम इसका जो HTML है वो कैसे चेक करेंगे? अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। दोस्तों किसी भी वेबसाइट का HTML कोड देखने के लिए आप कंट्रोल यू प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, और उस वेबसाइट का सारा जो भी HTML कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए ये होती है लैंग्वेज HTML। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है HTML। अब देखिए दोस्तों ये कितनी बड़ी कोडिंग है, आप देख सकते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी कोडिंग है। ये कोडिंग लिखी गई है, उसके बाद ब्राउजर ने ऐसा डिस्प्ले दिखाया है। इस कोडिंग को रीड किया है ब्राउजर ने और उसके बाद ये डिस्प्ले हमारे सामने आया है इस वेबसाइट का। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये जो कोडिंग है इसे हम लिखेंगे कहाँ? इसके लिए क्या चाहिए जिसपे इसको लिखा जा सके? तो दोस्तों इसके लिए हम नोटपैड यूज करते हैं। दोस्तों नोटपैड, ये है नोटपैड, ये बाय डिफॉल्ट सभी विंडोज में आता है। इस कोडिंग को हम नोटपैड पे लिखते हैं और उसके बाद ब्राउजर में ओपन करते हैं इसे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह। तो इस कोडिंग के लिए ये नोटपैड है, लेकिन इसका अधिकतर क्या लगभग कोई भी यूज नहीं करता है वेबसाइट डिजाइन में। ये विंडोज में बाय डिफॉल्ट होता है और इसमें इतने अच्छे फीचर भी नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक नोटपैड की जरूरत होगी। तो अपने ब्राउजर में जाएंगे हम यहाँ और एक
न्यू टैब ओपन करेंगे और यहां हम डालेंगे नोट पैड प्लस प्लस। तो दोस्तों यहां पे एक साइड है नोट पैड प्लस प्लस डॉट ओ आर जी। यहां पे देखिए साइट है, यहां जो पहले नंबर का जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहां से हम कोई भी वर्जन, जैसे ये वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी आपको चाहिए वो वर्जन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहां हम क्लिक करेंगे और यहां आ रहा है नीचे डाउनलोड का ऑप्शन। ये 32 बिट सिस्टम के लिए सपोर्ट है और यहां हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहां पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये 3.6 एमबी का है, मेरे सिस्टम में ये पहले से भी है। इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये डाउनलोड हो रहा है और यहां पे हम ये नोटपैड जो मैंने सिस्टम में पहले से डाल रखा है, ये देखिए इस पे कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या फीचर्स हैं दोस्तों, ये साइड में आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही आप यहां पे कोई नई लाइन ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक ही इसमें काउंट हो जाता है 22 के बाद 23, 23 के 22 के बाद 23। यहां पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, एंटर मारो, इस तरह ये लाइन ऐड करता हुआ जाता है ऑटोमेटिक, जो कि ये फीचर हमें नोटपैड में नहीं मिलता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे इसमें ऐसा कोई फीचर हमें नहीं मिलता है। दूसरा जो इसमें फीचर है दोस्तों, जैसे कोई भी वेबसाइट आपने डिजाइन की है और उसमें कुछ सर्च करना है आपको, कोई भी वर्ड सर्च करना है, जैसे मुझे इसमें एज सर्च करना है, तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा बस। ये देखिए इसमें जहां जहां एस लिखा हुआ है वहीं पे हाईलाइट हो चुका है। जैसे मेरे को ट्री हाईलाइट करना है, ये देखिए चार बार है इसमें ट्री, चार जगह। जैसे हमें टेक्स्ट को हाईलाइट किया है, ये देखिए जहां जहां टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो चुका है। तो ये इसके फीचर्स हैं दोस्तों, और वेबसाइट डिजाइन के लिए, कोडिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, काफी यूज करते हैं इसको। तो इस तरह दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमें एक नोटपैड की जरूरत होती है और इस तरह एक ब्राउजर की जरूरत होती है। ब्राउजर जैसे आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजर जो आपको अच्छा लगे उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल क्रोम ही यूज करें। तो दोस्तों HTML एक लैंग्वेज होती है जो कि एक कोडिंग होती है, उस कोडिंग से हम कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वेबसाइट, लोगो, पंपलेट, विजिटिंग कार्ड, कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं आप। तो इस तरह दोस्तों ये ट्यूटोरियल में यहीं खत्म कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे HTML की कोडिंग के बारे में, स्टार्ट करेंगे वो भी बेसिक से एडवांस तक, जो कि मैंने आपको बताया है। मैं आपको वो नॉलेज दूंगा इस चैनल के माध्यम से जो कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल पाएगी। मैं आपको लाइव वेबसाइट डिजाइन करके बताऊंगा और उसको गूगल में कैसे रैंक कराते हैं, कैसे उसको डालते हैं गूगल में,
सब कुछ मैं इस चैनल पर आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि आप वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं और अच्छे से कुछ करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।